हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग। और ये जो स्लीव है ये मैं कुर्ती के लिए बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने फैब्रिक लिया हुआ है और फैब्रिक को मैंने फ़िलहाल 4 लेयर्स में रखा हुआ है। और ये मेरी दोनों स्लीव के लिए ये फैब्रिक मैंने लिया हुआ है। देख सकते हैं आप, ये 2 लेयर है दोनों स्लीव्स के लिए। मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड कर दिया है तो ये हमारी 4 लेयर हो गई है। इस तरीके से आपको भी बिछा लेना है। ये देखिए फोल्डेड साइड है हमारी और ये जो है ये हमारी ओपन साइड है। अब एक प्रॉब्लम और सभी को आती है कि हम फैब्रिक कितना लें। तो गाइस, ये जो मैंने फैब्रिक लिया हुआ है ये चेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। आपका जो भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट कीजिए। तो मेरा चेस्ट जो है वो 36 है तो मैं उसका 4th पार्ट करूँगी जो कि 9 आएगा। तो मैं 9 पर एक मार्क करूँगी। उसके बाद मैं उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी जो कि 11 आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आपका जो भी चेस्ट है उसका 4th हिस्सा निकाल कर उसमें 2 से 3 इंच आप प्लस कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फैब्रिक कुछ इस तरीके से लेते हैं। अब आती है लेंथ की बारी। तो मुझे लेंथ 3 इंच रेडी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें 1.5 इंच प्लस करूँगी। 1.5 इंच में इसलिए प्लस करूँगी क्योंकि ये कुर्ती की स्लीव से और जो फोल्ड करना हुआ इसे डबल, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें 1.5 इंच ले रही हूँ। 1 इंच हमारा बॉटम में फोल्डिंग में जाएगा और 1/2 इंच ऊपर। ठीक है, तो अब इस तरीके से मैंने ले लिया है। अब आपको यहाँ से यहाँ नॉर्मली मैंने शॉर्ट स्लीव में 1.5 इंच का डिफरेंस बताया है लेकिन हम इसमें 2 इंच लेंगे। उसका रीज़न ये है गाइस, देखिए इसकी जो लेंथ है उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया है। नॉर्मली हम 1 इंच प्लस करते हैं और जहाँ पर ऐसा होता है कि आप 1.5 इंच प्लस कर रहे हैं तो आप 1/2 इंच नीचे की तरफ कर दीजिए, यानी कि 1.5 है तो 2 कर दीजिए। ठीक है, अब मैं इस तरीके से नॉर्मली एक लाइन ड्रॉ करके मिला दूँगी। पहले तो आप सिंपली ऐसे ही मिला लीजिए, उसके बाद इसका एक सेंटर देखते हुए इस तरीके से एक डॉट लगा दीजिए, मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद जिस तरीके से मैं शेप ड्रॉ कर रही हूँ सेम उसी प्रोसेस में आप भी शेप ड्रॉ कर दीजिए। बहुत इजी मेथड है और इसके अंदर आपको डबल से निशान भी नहीं लगाना होगा। जैसे हमने पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ की, ठीक है, वो सीधी लाइन हमारी एक लाइन हो जाएगी और जो हम अभी कर रहे हैं जैसे कि मैं शेप दे रही हूँ वो हमारी 1/2 इंच की जो हम गोलाई देते हैं फ्रंट के पार्ट के लिए वो हो जाएगी। देखिए ये पहली, ठीक है, हमारे बैक के पार्ट के लिए और ये फ्रंट के पार्ट के लिए। ठीक है, और ये जो गोलाई है मैंने उस पॉइंट से दी है। अब हम बात करेंगे बॉटम की। तो बॉटम मेरा 14 है तो 14 का मैं हाफ कर दूंगी जो कि 7 होगा और उसमें प्लस 2 कर रही हूँ। ठीक है, आपका जो बॉटम है आपको भी इसी तरीके से उसका हाफ निकाल के उसमें 2 से 3 इंच ऐड कर देना है। अब मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। अब इन दोनों लाइंस की कटिंग कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने बाहर बाहर वाली लाइन पर कटिंग कर दी। अब आप देख सकते हैं जो हमने लाइन करके शेप लगाया था वो वाला हम क्या करेंगे, 2 उठाएंगे, सिर्फ 2 लेयर। ठीक है, 2 लेयर उठाकर कटिंग करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ब्लाउज़ के फ्रंट वाले हिस्से में जुड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरी स्लीव्स की कटिंग हो गई है और सेंटर पॉइंट लगा लिया है मैंने। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।